नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बेतवा नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते पहले राजघाट, फिर माता टीला और अब सुकुआ डुकुआ बांध के ऊपर से पानी बह रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता प्रदीप यादव। प्रदीप, क्या हालात है सुकुआ डुकुआ बांध के समय? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि सुकुआ डुकुआ बांध पर जी रात को 11 बजे माता टीला डैम के सारे गेट खोल दिए गए थे, तो यहाँ पे 63,000 गैलन पानी छोड़ा गया था जी। और अभी हाल में जो जानकारी है, मैं यहीं पे मौजूद हूँ सुकुआ डुकुआ डैम पे, तो घट के वहाँ पे 50,000 गैलन के संदर्भ में बचा है। अभी 1,000 गैलन छोड़ने की और सूचना प्राप्त हो रही है जी। तो प्रदीप जी, क्या इससे पहले प्रशासन ने कोई हाई अलर्ट जारी किया था, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी? जी नवीन जी, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था कि कोई भी सुकुआ डुकुआ डैम के आजू बाजू में किसी प्रकार से कोई दुर्घटना ना हो या कोई सैलानी आके यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या सेल्फी वगैरह ना ले। वहाँ पे पुलिस प्रशासन बनिया का मौजूद है और लोगों को अलर्ट कर रहा है, वहाँ से दूर कर रहा है, पानी से काफी दूरी बनाई जा रही है जी। जी जी, अचानक जब इस तरह से रात में पानी छोड़ा गया, तो इस तरह क्योंकि लोग नदी के किनारे कई आसपास लोग रहते भी हैं और विचरण भी करते हैं, जहाँ पशुओं को चराते हैं, और अक्सर देखा जाता है इस तरह की दुर्घटनाएं भी सामने होती हैं, तो अभी तक कुछ कुछ इस तरह के पानी छोड़े जाने के बाद इस तरह से कोई बाढ़ के हालात गाँव में पहुँचे हों या कोई इस तरह की अनहोनी की कोई खबर आ रही है? जी नवीन जी, आपको बता दूँ कि इस समय मतलब इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कोई मतलब किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हुई है या गांव में पानी पहुंचा हो जी, क्योंकि अभी पानी छोड़ा नहीं गया है। लेकिन अभी हाल ही में सूचना प्राप्त हो रही है कि 1,000 गैलन पानी ऊपर से छोड़ने की सूचना प्राप्त हो रही है। यहाँ पे जो एरिफिकेशन विभाग के और माता टीला विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ रेस्ट हाउस में, और वो हर घंटे में चेक कर रहे हैं कि पानी कितना स्तर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। अभी वो उनकी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 1,000 गैलन पानी और छोड़ा जा रहा है, और हाई अलर्ट गांव में भी सूचना कर दी गई है कि लोग बाग पानी के किनारे से दूर हट जाए, जो भी वहां पे बसे हुए हैं उनको भी दूर हटाया जा रहा है वहां पे। अच्छा प्रदीप, तो उच्चाधिकारी वहां पर पहुंचे हैं संबंधित विभाग के, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है और वो क्या कह रहे हैं कि अभी क्या हालात कर सकते हैं? जी नवीन जी, अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, वो पानी का स्तर नापने के लिए गए हैं पानी में। वहाँ सुकुआ डुकुआ डैम के नीचे एक नया जला स्तर बनाया हुआ है, जो डिग्री लगी हुई है उनकी, वहाँ तक गए हुए हैं। वो जैसे ही आते हैं तो सूचना प्राप्त कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके कई कर्मचारी बताने गए कि यहाँ मीडिया न्यूज बुंदेलखंड से यहाँ पे रिपोर्टर लोग आए हैं, वो आएंगे और तुरंत हमें सूचना पूरी उपलब्ध कराएंगे जी। प्रदीप, इस खबर पर आगे भी जानकारी नजर बनाए रखिए, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता पवीना से प्रदीप यादव, जो नज़र बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। जल स्तर बढ़ रहा है और न्यूज़ वीके भी अपने दर्शकों को सतर्क करता है, जो नदी के किनारे रहते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सतर्क हो जाएं और जहां पर नदी का बहाव होता है, पानी होता है, उस जगह से दूरी बनाकर रखें। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वीके।